दल के पार्षदों ने भारी हंगामा किया, जिस पर नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक ने 5 सदस्यीय टीम गठित की, जिसमें भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल के पार्षद गठित दल में शामिल किए गए। वहीं निगम परिषद द्वारा गठित टीम MSW के दोनों जगहों का निरीक्षण करने पहुंची। अमीरगंज पटुआ स्थित MSW यार्ड जाकर देखा शहर से कचरा एकत्र कर किस तरह कचरा का नष्टीकरण किया जा रहा है, और नगर निगम डिप्टी कमिश्नर PK अहिरवार निरीक्षण दल के साथ मौजूद रहे। PK अहिरवार का कहना है कि हम लोगों ने पाया कि MSW यार्ड के प्लांट में बहुत कमियां पाई गई और नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिस पर रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही निगम करेगी। पिछली परिषद की बैठक में जो निर्णय हुआ था, जिसके आधार पर एक 5 सदस्यीय समिति गठित हुई थी, MSW के संबंध में जो विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसकी बिंदुवार जांच और उसके प्रतिवेदन के लिए, उसका मेंबर सेक्रेटरी हूँ मैं, जिसके नाते आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 4 सदस्य उपस्थित थे, 1 सदस्य किन्हीं कारण से अनुपस्थित रहे। तो 4 सदस्यों के द्वारा DPR के आधार पर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी चाही गई, जिसको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समिति सदस्यों द्वारा 15 दिन, लगभग 15 दिन की समय अवधि दी गई है नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी को। ठेका दिया है जिसमें 35 से 40 लाख रुपये महीना का खर्च हो रहा है, और जिसका कंपनी का काम घर घर से कचरा संग्रहण करना, परिवहन करना, उसका प्रोसेसिंग करना और खाद बना करके बेचना, और जो IDF है उसका भी डिस्पोजल करना, ये सारा काम है। लेकिन काफ़ी शिकायतें जनप्रतिनिधियों की आ रही थी, सामान्य पार्षदों की आ रही थी, तो मैंने 28 अक्टूबर की बैठक में इस प्रश्न को उठाया था निगम सम्मेलन में। निगम सम्मेलन ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में मेरे साथ साथ राजेश भास्कर जी, मथुरा तिवारी जी, सीमा श्रीवास्तव और मौसूब अहमद बिट्टू, 5 पार्षदों की कमेटी बनाई, और इस जांच कमेटी की आज बैठक हुई थी।